नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका और एक नई वीडियो में। मेरा नाम है तेजस और आज हमारे पास है वीवो का T144W वाला और रेडमी का Note 10 Pro। यहाँ पे बैक साइड में अगर देखेंगे तो वीवो के अंदर आपको ट्रिपल रेयर कैमरा दिया है और रेडमी के अंदर आपको क्वाड कैमरे का सेटअप। बैक फिनिश जो ये रेडमी के अंदर आपको ग्लास फिनिश के अंदर दिया है और वीवो के अंदर में मैट फिनिश के अंदर आ जाता है। लुकिंग वाइज तो दोनों भी हैंडसेट काफ़ी स्टाइलिश लुक के साथ में आते हैं। यहाँ पे हैंडसेट का जो वेट आ जाता है वीवो का 182 ग्राम आ जाता है 8.4 mm की थिकनेस के साथ में, और रेडमी का वेट आ जाता है 192 ग्राम 8.1 mm की थिकनेस के साथ में। यहाँ पे दोनों भी हैंडसेट जो ये कर्वी डिज़ाइन के साथ में आ जाते हैं। इस साइड में जो आपको पावर की दी है और वॉल्यूम अप एंड डाउन की भी इसी साइड में दी है। रेडमी के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। नीचे की साइड में अगर देखेंगे तो स्टीरियो स्पीकर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, वीवो के अंदर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक नीचे दिया है और रेडमी के अंदर ऊपर की साइड में। रेडमी के अंदर आपको डुअल स्पीकर दिया है। यहाँ पे हैंडसेट के अंदर आपको ट्रिपल स्लॉट दिया है, 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, एक्सपांडेबल भी कर सकते हैं आप 1 TB तक के। फ्रंट कैमरा जो हैंडसेट के अंदर आपको 16 MP का मिल जाता है। यहाँ पे बैक कैमरा जो ये वीवो के अंदर आपको 50+2+2 का दिया है और रेडमी के अंदर 64+8+5+2 का ऐसा क्वाड कैमरे का सेटअप रेडमी के अंदर दिया है आपको। बैटरी जो है लगभग दोनों भी हैंडसेट के अंदर सेम आ जाती है। वीवो के अंदर 5000 mAh की बैटरी दी है और रेडमी के अंदर 5050। वीवो के अंदर आपको 44W का चार्जर दिया है जो कि 28 मिनट में 50% चार्ज कर देता है, और रेडमी के अंदर 33W का दिया है, 74 मिनट में 100% चार्ज हो जाएगा ये। यहाँ पे कैमरे के अंदर तो लगभग सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, स्लो मोशन, पोर्ट्रेट वीडियो, टाइम लैप्स जैसे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। लेकिन एक ऑप्शन जो ये आपको वीवो के अंदर नहीं मिलेगा वो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का। वो ऑप्शन सिर्फ आपको रेडमी के अंदर अवेलेबल है। बहुत सारे ऑप्शन आपको रेडमी के अंदर अच्छे भी मिलते हैं और कुछ ऑप्शन वीवो के अंदर भी अच्छे मिलते हैं। और यहाँ पे जो है जूमिंग की अगर बात करेंगे तो लगभग दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको सेम जूम हो जाता है, जो कि 10x तक के डिजिटल जूम का ऑप्शन दिया है दोनों भी हैंडसेट के अंदर में। यहाँ पे कैमरा क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो वीवो के अंदर जो ये थोड़े से सॉफ्ट कलर के फोटो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन रेडमी के अंदर जो ये कलर थोड़ा सा डार्क और कलर सेचुरेशन काफ़ी अच्छा कलर करके बताता है इसके अंदर में। यहाँ पे इमेज क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कलर देख सकते हैं आप, रेडमी के अंदर जो ये थोड़ा सा डार्क कलर करके बताता है और वीवो के अंदर सॉफ्ट जो कि ओरिजिनल जो कलर है वही आपको वीवो के अंदर देखने को मिल जाते हैं। रेडमी के अंदर जो इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है इसके अंदर में, और काफ़ी डिटेल के साथ में भी देख सकते हैं आप। फ्रंट कैमरे के अंदर में भी इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ जाती है रेडमी के अंदर में। यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड के भी अगर बात करेंगे तो पोर्ट्रेट मोड में भी देख सकते हैं ब्लरिंग जो है ये काफ़ी परफेक्टली हो गया है रेडमी के अंदर में। और स्लो मोशन की अगर बात करेंगे तो स्लो मोशन भी आप रेडमी के अंदर काफ़ी परफेक्टली देख सकते हैं। बूंद बूंद जो पानी गिर रहा है वो भी इसके अंदर डिटेल के साथ में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करेंगे तो वीडियो में भी देख सकते हैं काफ़ी स्टेबिलिटी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है रेडमी के हैंडसेट के अंदर में। वीवो के मुकाबले थोड़ा सा बेटर आ जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग में भी। और यहाँ पे डिस्प्ले की अगर बात करेंगे तो वीवो का जो हैंडसेट है इसके अंदर आपको 6.44 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले दिया है और रेडमी के अंदर आपको 6.67 का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है। और दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको रिजोल्यूशन भी फुल HD+ में दिया है 1080x2400 pixel का। एक्सपेक्ट रेशियो भी सेम आ जाता है 20:9 का। यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो ये वीवो के अंदर 19.12% दिया है और रेडमी के अंदर दिया है 91.4%। डिस्प्ले क्वालिटी भी थोड़ी सी बेटर दी है रेडमी के अंदर में। हैंडसेट के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, लेकिन वीवो के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है इसके अंदर में। और यहाँ पे रेडमी के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया है इसके अंदर में। डिस्प्ले का जो शार्पनेस है ये रेडमी के अंदर ज़्यादा दिया है, इसके अंदर आपको 1200 nits का ब्राइटनेस लेवल दिया है, लेकिन वीवो के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है इसमें। थोड़ी सी बेटर ब्राइटनेस लेवल आ जाती है रेडमी में। और यहाँ पे परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो लगभग दोनों भी हैंडसेट के अंदर जो प्रोसेसर दिए है वो सेम दिए है। वीवो के अंदर आ जाता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 680 का और रेडमी के अंदर आ जाता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 732G का। यहाँ पे क्लॉक स्पीड के अंदर दोनों भी हैंडसेट के अंदर फर्क आ जाता है। क्लॉक स्पीड जो ये वीवो के अंदर 2.4 GHz की दी है, फैब्रिकेशन 6 nm का आ जाता है, और रेडमी के अंदर 2.3 GHz की क्लॉक स्पीड दी है और फैब्रिकेशन 8 nm का दिया है। और यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन के अंदर फर्क आ जाता है, रेडमी के अंदर एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट दिया है और वीवो के अंदर एंड्रॉयड 12 का। सिक्योरिटी के अंदर वीवो के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है,
और Redmi के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पे दोनों भी हैंडसेट के जो 6GB वाले वेरिएंट है वो सेम प्राइस रेंज के अंदर आ जाते हैं 15999 में। Redmi में जो है आपको कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी है, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है और डिस्प्ले क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी है इसके अंदर में। इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, वीवो के अंदर आपको वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। और चार्जर इसके अंदर आपको 44 वाट का दिया है, प्रोसेसर थोड़ा सा कम दिया है इसके अंदर में। तो यहाँ पे सेम प्राइस रेंज के अंदर जो है ये रेडमी का हैंडसेट काफ़ी अच्छा आ जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।